जी अस्सलाम वालेकुम गाइस व्यूअर्स, एज वी नो हमारा ये नया इवेंट जो है वो आ चुका है ऑफ ब्लूम ग्लो। और इस इवेंट से पहले आप मेरी लॉबी में देख सकते हैं हमारे पास .com, ये हमारे अनवार भाई हैं जो हमारे क्लैन के को लीडर हैं। और आज हमने इनसे रिक्वेस्ट किया है कि आर वाई नॉट टू ओपन यू नो ओपन दिस इवेंट टुगेदर एंड सी जो है कैसे काम करेगी। सो अनवार भी इजाजत है इसको स्टार्ट करें। अस्सलाम वालेकुम ऑडियंस, जी बिल्कुल स्टार्ट करें, बिस्मिल्लाह करें। ओके स्टार्ट। हमारे पास यूसी ओवरऑल तो 50,000 अवेलेबल है, बट अगर हम इसका थोड़ा सा रिवॉर्ड्स देख लें और इसके प्राइसेस, म्यूजिक तो बड़ा नीथर फैंटम सेट। अच्छा अनवार भी आपने भी ये इवेंट देखा होगा, मुझे ओवरऑल अगर मैं इसके सारे इवेंट्स देखूं, ये नीथर फैंटम सेट है ठीक है, और इसका एक मास्क है, उसके बाद हमारे पास सोलर नाइट सेट है। अच्छा डू यू लाइक द सोलर नाइट सेट? मुझे तो सोलर नाइट सेट इतना कोई खास पसंद नहीं आया। हाँ इसका हेयर स्टाइल बड़ा प्यारा है, इसके बाल जो हैं वो अच्छे हैं। बाकी क्यू बी जेड को तो हम वैसे भी यूज़ भी नहीं करते। What do you think? Do we need that gun? मुझे तो QBZ की स्किन पहली दफा नजर आई है। वैसे मेरा ख्याल है उन्होंने लिविक में ऐड किया है और शायद उसमें भी ऐड किया है रेंगल में, तो उसी उन्होंने इसकी स्किन दे दी है। बट when M4 is available, who's going for QBZ? So अच्छी स्किन है लेकिन हम स्किप करते हैं क्योंकि हम यूज नहीं करते इसको। Let's focus on the other items. मुझे तो ऑनेस्टली इसमें सिवाय एक ये जो हमारे पास नीथर फैंटम सेट है उसके अलावा मुझे तो पसंद नहीं आया, बट लेट्स सी। मेरा ख्याल है हम इसको लिमिट करते हैं, आई थिंक 10,000 यूसी इनिशियली लगा के देखते हैं और देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। तो अनवार भी आप स्क्रीन तो देख नहीं सकते, लेकिन आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द फ्री वन। लंबा चल रहा है। अच्छा हमें इसमें उन्होंने माशाल्लाह 1 coin ही दिया है। एक हम इस पर जो है वो 60 voucher जो है वो मारते हैं। अभी हम वाउचर जो हमारे पास डिस्काउंटेड हैं वो यूज़ नहीं करेंगे। 60 में फिर हमें 1 coin मिला। मुझे लग रहा है ये पबजी जो है ना इस पर थोड़ा सा हमें ये वो न्यूबिला वाला टाइप का फीलर है, थोड़ा सा हमें जो है ना वो यूसी के ऊपर जलील करने वाले। फिर A1 UC ही मिला हमें। सो लेट्स गो विद one coin, one paint, then one coin, then one paint, three coin, one coin, one coin. पेंट 3 coins और फिर 3 coins ही मिले। पहला 10 वाला तो बिल्कुल बेकार गया क्योंकि स्मॉल आइटम तो मेरा ख्याल है हमें बैक पैक और हेलमेट शेलमेट तो फिर भी मिल जाएगा, लेकिन ये जो हमारा है ये ड्रेस मिथिक जो है ये हमें मेरा ख्याल है रिडीम ही करना पड़ेगा। लेट्स सी एक और करते हैं, उसके बाद बेशक वी कैन ट्राई विद दिस किट। वन कॉइन वन पेंट वही एक चल रही है जो पहले हुआ मेरे साथ। वन कॉइन हिम्मत नहीं आ रही, हमने सारे नेक्स्ट 10 निकाले, हमें पता है कि उसका कितना इन्होंने हमें रुलाना है। यस यस नेक्स्ट 10 थ्रो करें, देखें कितना आता है। ठीक है जी अब स्किप करते हैं, हल्के स्किप की बजाय हम पहले 2 run करते हैं। पेंट, और अब 2 के बाद स्किप कर रहे हैं, इसमें हमें नहीं मिला, अब मैं स्किप कर देता हूँ और स्किप करके हम देख लेते हैं। पेंट कॉइन्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए वो है इस टाइम। चलो जी किलर एंजल सेट,
ये हमें मिल चुका है और 1099, हमारा आइटम नंबर 1099 है वो मिला है, और एक 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 मटेरियल भी मिल गया जी हमें। ठीक है, ये राइट डन, स्किप पे हम नेक्स्ट ओपन करते हैं। पेंट एंड कॉइन्स ही हमें मिले हैं, एक हम स्किप मिस करते हैं। पेंट कॉइन्स, लो भाई मुझे यही लग रहा है हमें यहाँ पे जो है ना इस दफ़ा कॉइन्स ही मिलने वाले हैं। जो आपके लो आइटम्स थे, बैकपैक और मॉली की स्किन या ये सब कुछ है ना, वो वैसे तो पहले तो पिछले इवेंट्स में निकल आता है, लेकिन इस इवेंट में नहीं निकल रहा। जी पेंट कॉइन कॉइन सब चीज़ें, जो कि हेलमेट निकला है हमारे पास, ड्रीम आइडल हेलमेट। मैंने आपसे कहा था इस तरह के आइटम्स जो है ना वो ये निकाल देंगे पहले। अच्छा, साइड पे भी हमारे पास अच्छा ये 20, 50, 80, 120, 200 है, उसको हम जो है वो बाद में देखेंगे। वी स्टार्टेड विद 50,000 यूसी एंड वी आर स्टैंडिंग ऑन 44,976, सो लेट्स सी। अच्छा, इन बार भी आपकी लक अच्छी होती है इस तरह के इवेंट्स में, मेरा ख्याल है आपसे खुलवाना चाहिए था इवेंट। मेरी लक आपके साथ है, टेंशन नहीं, निकलेंगे निकलेंगे। तो भाई कॉइन्स पेंट फिर 3 कॉइन्स, 1 कॉइन, और अच्छा कितने कॉइन्स हो गए आपके पास, चेक करें जरा। हमारे पास अभी 143 हुए हैं, तो बड़े स्मॉल है। मैंने अभी वो साइड वाली जो है उसको हम अभी कलेक्ट नहीं कर रहे, वो एक दफ़ा 200 पे टच होगा तो फिर हम एक दफ़ा सारे आइटम्स जो है वो खोल लेंगे और देखेंगे कि फिर। 143 में, 143 में आपको मटेरियल मिल सकता है, इमोटिकॉन्स मिल सकते हैं और हेलमेट मिल सकता है, इनमें से कोई एक आगे। यस, लेकिन हमारा कोर एजेंडा अभी जो है वो है ड्रेस, बिकॉज आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द गन QBZ में, उसमें मटेरियल्स निकल आए, वो चीज़ें निकल आए, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। मुझे नहीं लगता अनवार भाई ये कुछ देने वाले हैं, मुझे लग रहा है ये जलील करने वाले हैं। कह रहे हैं बंदे के पास 4,000 यूसी पड़ी है तो इसका जो है ना खर्चा करा दें, काउंट खाली स्किप कराओ। करके। स्किप के ऊपर फिर वही निकला पेंट और कॉइन्स हमारे। स्किप के ऊपर एक अभी मटेरियल निकल आया है, उसके बाद फिर वही निकल रहा है हमारे पास पेंट कॉइन पेंट कॉइन पेंट कॉइन। अब मैं स्किप को स्किप करने लगा हूँ, मैं स्किप को स्किप करने अरे स्किप थर्ड पे हम इसको स्किप। वाह भाई वाह, डेडली स्वीट हार्ट, स्वीट हार्ट हेड बैंड मिल गया हमें, जिसकी हमें कतन कोई ज़रूरत नहीं थी। खैर एनीवेज, नहीं भाई ये मैं बता रहा हूँ, ये हमें पेंट पे और उस पे फुल टाइम कर खाने वाले हैं। चलो कोई नहीं, फिर इस काम करें ना, फिर कॉइन्स इकट्ठे करते रहें, कॉइन्स भी रिडीम कर लेते हैं और तो कुछ नहीं सकता। टोटल कितने हिट्स हो गए अभी तक आपके? तकरीबन 8,000 यूसी तो लग गई है उस पे हमें अभी तक, एज सच एक देखा जाए तो 8,000 यूसी का, 8,000 यूसी मतलब के अराउंड आपके कोई 170-180 हिट्स हो गए होंगे। रेड पाउटी हेड गियर मिला है हमें, हेड गियर पे टरखाएंगे और कहेंगे बेटा ड्रेस ले लो जाके। ठीक है, दिस इज समथिंग। ओके, कॉइन 3 कॉइन्स, फिर 3 कॉइन्स, 1 कॉइन। अच्छा, लास्ट वाले इवेंट पे जो आपके ये जितने भी छोटे आइटम्स थे वो जल्दी निकल गए थे हमारे, और उसके बाद वो जो टाइम आइटम्स बाउंड दोबारा करते थे ना? निकलते थे, नहीं, टाइम बाउंड नहीं, वो परमानेंट भी इन्होंने जल्दी अच्छा निकाल फुल। दिए थे। इस दफ़ा तो सिर्फ इस दफ़ा तो पेंट भी नहीं दिया भाई, सारे कॉइन्स ही हमें उन्होंने चिपका दिए। मेरा ये हो गया। अच्छा, अब हमारे पास ये साइट पे सारे ओपन हो चुके हैं, तकरीबन 10,000 यूसी लगा के। अच्छा, 20 यूसी पे हमें मिल गए हैं 20 कॉइन्स, ये हमने ओपन कर लिए। 50 पे हमें फ्रेम मिल चुका है, इसके
उसके बाद 80 पे हमें 70 बॉक्स मिल चुके हैं, ये ओपन कर लिया। 120 बॉक्स पे हमारे पास जो है नॉट रिक्वायर्ड डैगर हमें मिल चुकी है, जेम बोन डैगर, जिसको हमने कुछ भी नहीं करना। और उसके बाद 200 हमें 100 कॉइन्स मिल चुके हैं, कॉइन्स हमारे पहुंच चुके हैं 429 पे। और एशिया में मुझे लग रहा है एशिया में ना किस्मत नहीं चल रही, अब देखते हैं मिडल ईस्ट में क्या होता है। ओके लेट्स गो विदाउट स्किप पेंट, फिर पेंट, फिर पेंट, लो कुछ निकला। अच्छा बस इसमें हमें उन्होंने 8 वाली एक बोतल पकड़ा दी है। तो ये भी छोटा आइटम है, क्योंकि जब ये अगर दोबारा निकलेंगे, क्योंकि ये टाइम बाउंड वाले आइटम्स नहीं है, ठीक है। तो कॉकटेल हमारे पास आ गई है, बहुत खूबसूरत है, बट कसम लेने मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। आई एम जस्ट इंटरेस्टेड इन द ड्रेस, कि वो ड्रेस जो है वो हमने निकालना है हर हालत में। लेट्स गो विद वन मोर। अच्छा लास्ट टाइम मुझे नेबुला वाला भी इवेंट था, उसमें उन्होंने जो जेम्स हमें मिल जाते थे, तो उस जेम्स से वी कैन परचेज दैट। दिस इज मोर सॉर्ट ऑफ, ये जो कॉइन वाला ना, जैसे इफ यू रिमेंबर जो जोकर वाला एक्स सूट हमने निकाला था आर्केन जेस्टर, तो ये उस तरह की चीज़ है। इन्होंने मोर सॉर्ट ऑफ वो कॉइन्स बेस्ड कर दिया इसको। ओके स्किप पे ट्राई करते हैं हम। दो जी दो मटेरियल हमें मिल चुके हैं स्किप के ऊपर इकट्ठे, फिर हम स्किप पे ही जाने लगते हैं। और हमारे पास पैराशूट आ चुका है, पैराशूट एंड यू नो कॉइन्स और वो सब कुछ। स्किप पे ही जा रहे हैं हम। 10 मोर, कुछ नहीं मिला, पेंट और कॉइन्स मिले हमें। और लेट्स गो मोर, एक और मटेरियल हमें मिल चुका है। और अगेन स्किप पे जस्ट वन पेंट, रेस्ट कॉइन्स। जो नहीं चाहिए था वो मिल गई भाई, क्यूबीजी। क्यूबीजी मिल चुकी है। अब आप कहना स्टार्ट करते हैं मुझे ड्रेस नहीं चाहिए। अब मैं ये कहता हूँ मुझे ड्रेस नहीं चाहिए, जैसे मैं कह रहा था ना मुझे क्यूबीजी नहीं चाहिए, तो मुझे लग रहा है कि पबजी हमारी आवाज भी सुन रहा है। भाई नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, हमें ड्रेस नहीं चाहिए, और फीमेल वाला तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। पबजी आवाज आ रही है, उन्होंने कहा नहीं देते आपको, कॉइन और पेंट दे देते हैं, जाओ। अब ऑर्नामेंट निकल आया है भाई, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। ढेर ऑर्नामेंट मजे की चीज है वैसे, है, लेकिन नहीं चाहिए, क्योंकि 15,000 यूसी लगाने के बाद अभी तक अगर हमारा ड्रेस नहीं निकला, और वी आर जस्ट ऑन 561, तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट दिस, बिकॉज हमने 750 एक और 450 उसका हेड गया ड्रेस को पूरा करने के लिए, जो है वो हमें चाहिए। और मेरा ख्याल है इमोट तो निकलेगा ही नहीं, इमोट इज़ नॉट पार्ट ऑफ। ऐसे देखते हैं यार, इमोट से भी नहीं देखा एक, इमोट निकल सकता। इसको स्किप स्किप को स्किप करके देखते हैं। नहीं इमोट इज़ नॉट पार्ट ऑफ दैट, नहीं है इमोट। वो बैग बैक पैक निकल आया भाई, वाह बैक पैक निकल आया है। बस जब बैक पैक दिया ना, आप कुछ भी नहीं देंगे, आप कॉइन देंगे और पेंट देते हैं। हमारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है कि हमें एक उसमें जो है ना वो दो दो तीन तीन आइटम मिल गए, कुछ नसीब लोगों की किस्मत होती है। बाकी हमें भाई वही मिला है, पेंट बैक पैक हमें मिल चुका है। ओह ओके लेट्स गो विद। कॉइन कॉइन रिमाइंड करा दूं कि आप जो 10 10 लाख रुपए का वैल्यू लिमिट थी वो ब्रीच करते हो नहीं करते? जो आपने लिमिट रखते थे स्टार्ट में 10,000 की सी, वो आप ब्रीच कर चुके हैं। हम बहुत ऊपर निकल चुके हैं 10,000, मुझे लग रहा है ये 20,000 में जाके कहीं जो है ना हमारा ड्रेस की ख्वाहिश पूरी होने वाली है। बिकॉज वी हैव स्पेंट अराउंड तकरीबन 17,000 यूसी तो खर्च हो चुकी है, और हमारे पास अभी 599
जो है वो है, बट द लिमिट इज़ 20 भाई, 20,000 यूसी में अगर इन्होंने ड्रेस नहीं देना तो हमने नहीं लेना। हेलमेट दे दिया उन्होंने, अब हेलमेट दिया है तो आगे कुछ नहीं देंगे, इतना मुझे पता है। ओ रेड वाला ड्रेस जिसकी हम बात कर रहे थे यार, वो रेड वाला ड्रेस बड़ा क्यूट है, वो दे दिया उन्होंने। फिर इसकी बोस तो ऑलरेडी हमारे पास आई हुई है। रेड वाले दो ड्रेस है ना, एक दोनों आ गए, रेड वाला एक हमारा ड्रेस पहले निकल आया था, अब हेलमेट भी निकल आया, ड्रैगन गार्ड हेलमेट और रेड वो जो बोट आई सेट था वो भी हमारे पास आ गया। वाह, दो चीज़ें दे दी, ये लगता है पबजी तक आवाज़ जो है ना वो पहुंच रही है। वाई नहीं चाहिए मिथिक ड्रेस पबजी, नहीं चाहिए, ठीक है नहीं चाहिए, मैं इसको स्किप नहीं कर रहा। खबरदार दिया था, कहते खबरदार दिया। ओ अबे दूसरे मिथिक की वो जो हेयर की बात कर रहे थे वाइट वाले, वो दे दिए वाइट वाले। हाँ जी, अगर तुम्हारे तक आवाज़ जा रही है ना तो याद रखना यूसी 20,000 का मैंने रोक देना है, जो देना है दे दो। आगे सब कॉल लो जी, सोलर नाइट कवर जो है वो हमें मिल गया। अब ये बदबख जो है ना, ये बड़ा तंग कर रहे हैं, ये इनको पता लग गया कि हमने ड्रेस दूसरा निकालना था। हेड गियर उन्होंने इसका दे दिया हमें, ठीक है। सो विदाउट स्किप ही जाएंगे, विदाउट स्किप पे जो है वो PUBG को थोड़ा सा तरस आ रहा है हमारे। लेट्स सी भाई, कॉइन पेंट फिर कॉइन, आ गए औकात पे वापस हैं, थोड़ी सी खुशी दे के। नहीं भाई तो स्किप कर, कुछ भी नहीं देना, समझ आ गया। अच्छा आइटम पे आइटम भी निकल आए ना तो वो कॉइन्स में कन्वर्ट होते हैं, अब वो आइटम्स भी नहीं निकल रहे, ये भी एक चैलेंज चल रहा है। टोटल पॉइंट कितने हो गए? इसके बाद देखता हूँ अभी तो। ये पेंट पेंट कॉइन 5.3.3 कॉइन पेंट 1 कॉइन और फिर कॉइन, स्किप करो भाई। जो साइड पर रिवॉर्ड थे ना वो भी रेनस एक दफा रिडीम वो ले लिए। 645 अगर मैं इंटरफेस अपना देखूं तो जितने बाकी आइटम्स हैं वो सब निकल चुके हैं हमारे पास, नीचे वाली जो लिस्ट है ठीक है वो सब आइटम निकल चुके हैं सिवाय इमोट्स के, जो कि जैसे कि इमोट्स उसमें नहीं है, इमोट्स तो हमें बाय करने पड़ेंगे ठीक है। और ऊपर जो हमारे पास टॉप 4 आइटम्स हैं मिथिक, उसमें एक का हेड गियर उन्होंने हमें दिया है सिर्फ, और जो हमें चाहिए उसका हेड गियर भी नहीं मिला और ड्रेस भी नहीं मिला ठीक है, जिसमें हम इंटरेस्टेड नहीं थे उसका हेड गियर जो है निकल गया। अच्छा 373 प्राइजेस ड्रॉन है अभी तक टोटल हमारे, और वी आर लेफ्ट विद 31,786 यूसी, यानी अप्रॉक्सीमेटली हमने तकरीबन कोई 18,000 कुछ यूसी जो है वो लगा दी भी है। 10 मोर, अबे दे दो भाई, नहीं जाऊँगा। 645 पूरे नहीं हुए, कोई बात नहीं, ड्रेस उसका यूज कर लेंगे, हेडवेयर उसका यूज कर लेंगे। नहीं भाई रुला रहा है, मैं बता रहा हूँ, कॉइन पे कॉइन दे रहा है, अब उसने नीचे वाले आइटम निकाल दी है तो अब वो मुझे नहीं लगता कि आइटम भी निकालेगा। स्किप पे ट्राई कर, चलें आप अगर 20 का सोचा हो तो 20 तक ग्राइंड करने ट्राई, अगर नहीं निकलता तो फिर हम कॉइन से उसको रिडीम कर देते हैं। पूरा होने वाला है PUBG, दे दो दे दो। नहीं भाई पेंट कॉइन पेंट, मैंने काना ये रुलाने वाले, अब वो हमें टरफा रहे हैं पेंट और कॉइन के ऊपर। ओके नहीं दिया इन्होंने एड्रेस। वैसे मैं एक मिनट के लिए देख लूँ कि हमारे पास जो है मटेरियल, अच्छा मटेरियल भी साथ हुए में, जो हमारी एक ग्लोरियस मोमेंट पेंडिंग है 416 की,
अगर मैं यहाँ लास्ट में जाऊँ तो हमारी इसकी भी ग्लोरियस मोमेंट है, उसके लिए भी 10-3 मटेरियल हमें और जो है वो चाहिए। सो वी कैन टेक, मैं कह रहा हूँ ज़रा एक और थोड़ी सी लक ट्राई करके देख लेते हैं, पता कोई तर्स वाला मटेरियल पबजी के अंदर डेवलप हो जाए हमारे लिए। 403 पे भी नहीं निकला मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि लास्ट टाइम नेबुला वाला भी जो था वो तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 800 ट्राइज के बाद जाके जो है वो ड्रेस जो है वो रिडीम हुआ था। ठीक है, तो मुझे लग रहा है दे मस्ट हैव सेंट सम बेंचमार्क के यार ओके इतनी ट्राइज के बाद जो है वो ड्रेस देना, मुझे ये लगता है। प्राइस रखी भी होगी बिकॉज ऑब्वियसली देयर इज अ कॉस्ट उसके ऊपर ही मैंने स्किप किया, नहीं निकला और हम एक दफ़ा स्किप पे ट्राई करके नहीं दिया, स्किप को हटा के एक सेकेंड, लेकिन एक सेकेंड करक इंस्ट्रक्ट करते हैं। अच्छा मेरे डिफरेंट इवेंट्स के ऊपर करक की में बड़ी कसरत चली है वैसे, अबे इस पे इज्जत रखो पबजी, इसको ट्राई करते हैं विदाउट स्किप। अच्छा मोस्टली क्रेट ओपनिंग में स्किप के ऊपर ज़्यादा चीज़ें निकल आती हैं, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा नहीं होता, मेरे जितनी क्रेट ओपनिंग है उसमें स्किप के ऊपर मेरी लगती नहीं होती। खैर चल तो इस टाइम विदाउट स्किप पे भी नहीं जो वाला था, नहीं भाई उन्होंने कहा बेटा कॉइन पे गुजारा करो, इकट्ठे करो और इस्तेमाल करो, इस्तेमाल करो। 715 कॉइन्स हमारे पास, 715 कम में हो गए हैं और अभी भी 35 कॉइन्स जो है वो कम है। एक अगर हमें हेडगियर दे देना ये इसका तो ड्रेस हम निकाल लेंगे, बाकी कोई टेंशन नहीं है वो तो। ओके 3 कॉइन्स, 1 पेंट, पेंट और पबजी खुदा रखो करो कितने चलेगी महंगाई है, यूसी कितनी महंगी होगी क्या तो सी ना जी ना। 724 मेरा ख्याल है, 750 पूरे करते हैं और ड्रेस निकाल किट पे ट्राई करते हैं, फिर ट्राई करते हैं नहीं मेरा एक डाउट। पबजी ने कोई तरस नहीं खाना, अच्छा लास्ट दो इवेंट जो गुजरे हैं उसमें ड्रेस निकलने की प्रोबेबिलिटी भी बड़ी कम रही है, वो रिडीम ही करने पड़े हैं कॉइन्स से, मोस्टली ऐसा ही है। अच्छा जी 754 कॉइन्स हो चुके हैं हमारे पास, ठीक है इन अप्रॉक्सीमेटली 24,000 यूसी और इसमें नाउ वी हैव टू ऑप्शंस। अगर हमें इमोट्स भी लेने हैं यार, वैसे इमोट्स मैंने चेक नहीं किए, एक सेकंड। अच्छा ये तो डांस हो गया भाई इनका, ठीक है इमोट्स हमने कितने यूज़ किए हमें भी पता है भाई, ये तो फुल कथक डांस चल रहा है इधर, ठीक है अब बताएं बार भाई अब क्या करना। अब कितने पॉइंट हो गए आपके पास, आप पॉइंट रिडीम करें कितने हो गए, 754 बस, ठीक है आप ड्रेस निकाल लें चुप करके, दुल्हन वाला ड्रेस निकाले, दुल्हन वाला जिस ड्रेस के पीछे हम पड़े हुए थे। ओके एक आखिरी ट्राई तो मैं मारूंगा स्किप करके, और दे दियो नहीं उन्होंने कहा नहीं चले जाओ यहाँ से। अच्छा जी ड्रेस हमें पसंद है जी, ये ड्रेस हमने रिडीम करना है और ये ड्रेस हम कर रिडीम, ठीक है इसको करते हैं और देखते हैं कि हमारे साथ जो है वो चेक करें ना, क्योंकि इन इन बाकी ड्रेसेस पे तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड बिल्कुल भी।
अच्छा ड्रेस है, लेकिन यही वाला ड्रेस और हेड गियर जो है वो हम इसका ये यूज करेंगे। अच्छा ड्रेस है, खूबसूरत ड्रेस है, प्यारा बनाया है। गुड। अब मसला ये है कि ये जो तकलीफ होती है ना हमें, कि यार ड्रेस इसका है, हेड उसका है, नहीं यार ऐसे नहीं। अच्छा एक मसला ये है, मसला ये है कि ऐसा लग रहा है दुल्हन लग रही है ये, कोई ये भागी हुई दुल्हन लग रही है। भागी भी दुल्हन है क्योंकि ये इसके बाल जो हैं वो उजड़ चुके हैं, दूल्हे के बाल दुल्हन को पहना दिए हमने। देखिए अभी भी हमारे पास वी आर स्टिल लेफ्ट विद 23 कॉइन्स। मेरा ख्याल है 5000 यूसी अगर हम और लगाएं तो देर इज़ अ प्रोबेबिलिटी, बिकॉज अब सारे आइटम्स हमारे पास नीचे के निकल चुके हैं, तो अगर नीचे का कोई आइटम भी निकलता है तो वो कॉइन्स बन सकते हैं। सो वी कैन टेक दैट रिस्क। अगर 5000 यूसी में, ऐसे करते हैं, अगर 5000 यूसी मजीद में हमें हेड गियर ना मिला तो हम उसके मटेरियल परचेस कर लेंगे और अपनी गन को अपग्रेड कर देंगे टू द ग्लोरियस मोमेंट। क्या ख्याल है? डन हो गया। एग्री। डन हो गया तो ये बिजी वाली बात भाई लोग क्यों नहीं मानते भाई? भाई ओके लेट्स गो। ओके लेट्स सी पबजी। थोड़ा सा खुदा का खौफ कर लो, मतलब थोड़ा सा है। खुदा के खौफ के बाद उन्होंने कहा पेंट से स्टार्ट लेते हैं, फिर आपको हम देंगे 5 पॉइंट, 5 पॉइंट के बाद हम आपको देंगे 1 कॉइन, 1 कॉइन के बाद हम आपको चलो तरस खा के देंगे 3 और कॉइन, 3 कॉइन के बाद 1 पेंट और फिर 1 कॉइन। थैंक यू, बड़ी मेहरबानी। okay, मतलब जलील करने का पूरा प्लान है। पेंट दे, अच्छा अब मतलब हमने कहा कॉइन दे दो, नहीं अब हमने उनके कहा कॉइन दे दो तो वो पेंट दे रहे हैं। अच्छा ये फिर ये बो निकल रही है यार, इसको कन्वर्ट। अच्छा भाई कन्वर्ट भी नहीं हो रहे, कन्वर्ट नहीं हो रहे भाई। ओहो यानी आइटम जो नीचे वाली लाइन में आइटम्स हैं वो कन्वर्ट नहीं होती। जो नीचे लाइन में आइटम्स हैं वो कन्वर्ट नहीं होगी, वो एज रहेंगी, वो आपके पास काउंट ऐड होता रहेगा। लाइक अगर आपका हेलमेट 3 दफा निकला तो वो 3 नजर आएगा हेलमेट के नीचे इन्वेंटरी में। जो ऊपर के आइटम्स है ना हेड, जो ऊपर के आइटम्स है वो कन्वर्ट होती हैं। लाइक आपको वो निकला है, अगर ड्रेस निकला था तो वो कन्वर्ट होगा, अगर आपको सॉलिड ही होगा तो। हम भाई स्किप पे ना, ठीक है स्किप पे हम 5000 यूसी उड़ा के देख लेते हैं, जो कि कुछ नहीं दे रहा पबजी। हमारे पास 91 कॉइन्स तो हो चुके हैं जिसमें हमारा एक मटेरियल जो है वो निकल आया है। स्किप पे तो भाई की ऐसी कोई बेहुदा है ना, वाह यार अभी भी देखो। अबे क्या चिल्लर चिल्लर कॉइन दे रहे हो यार पबजी, बैकपैक एक दफ़ा दे दिया दोबारा दे के कौन सा एहसान है भाई, नहीं चाहिए ले लो वापस, जो मांग रहे हैं वो दे दो। नहीं भाई नहीं भाई नहीं भाई, वो कह रहे हैं पेंट ले लो बेटा, तुम्हें जितने पेंट चाहिए ले लो। अब हम 10 वाला खोल रहे हैं। अच्छा भाई मटेरियल भी नहीं दे रहे, अच्छा गन भी दोबारा नहीं दी कि आपके 3 मटेरियल बन जाए। कॉइन कॉइन पे कॉइन नहीं, गन भी कन्वर्ट नहीं होगी, गन तो गन ही देगी वो। नहीं 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 गन से तो 100% वो आइटम ऐसा अब अपग्रेडेबल है, वो गन से गन 3 मटेरियल बनता है, सवाल ही नहीं पैदा होता जी। कॉइन और पेंट पे हमें खाया जा रहा है इस टाइम फुल टाइम। भाई इवेंट भी देख लिया, वीडियो भी देख ली, बट 116 कॉइन्स के साथ लो जी 20,986। पबजी मैं आखिरी टर्न कर रहा हूँ, इसके बाद मैं नहीं करूँगा, फाइनल। देना है तो दे दो, नहीं देना तो इट्स ओके। ठीक है जी अनवर भाई, आपके नाम ठीक, अभी तक मैंने आपके नाम पे खोला था, आपके नाम का क्रेट आइए लास्ट। चलो जी निकल आएगा ड्रेस। नहीं बेटा 1 कॉइन मिला हमें, फिर 3 कॉइन मिले हमें, और पबजी खुदा का खौफ करो यार, 1 पेंट 1 कॉइन, अबे कोई मटेरियल ही दे दो। नहीं भाई पीछे कोई सेटिंग, बैड लक फुल चल रही है, फिर हमें वो उन्होंने बो पकड़ा दी है सर वाली, अबे नहीं चाहिए भाई, तीसरी बो हो गई हमारी, पेंट भी हो गया। नहीं जी वो नहीं निकल पड़ा, 129 है हमारे पास, ये 90 पे ये है और 2 कॉइन्स पे ये है, सो मेरा ख्याल है कि
दिस इज अनफ फॉर नाउ, गुजारा करें इसी पे गुजारा करें। अगर हमारा बाद में मूड हुआ, अभी मैं इन कॉइन्स को भी रिडीम नहीं कर रहा, अगर हमारा बाद में मूड हुआ तो हम देखेंगे कि दिल बड़ा हुआ, हमने सोचा यार चलो ठीक है अब निकाल के छोड़ते हैं तो नेक्स्ट में निकाल लेंगे। बट अभी हम इसको क्लोज करते हैं गाइस, बड़ी बैड लक रही है हमारी इस दफ़ा, और आई डोंट नो कि इस दफ़ा इतनी बैड लक क्यों रही है, या तो ये आइटम्स जो हैं वो महंगे हो गए बच्चों की वजह से, ठीक है बाकी तो हमारे पास आइटम्स निकल आए हैं, बट जो हम निकालना चाह रहे थे वो नहीं निकला, ठीक है। सो इसके साथ इस इवेंट को ख़त्म करते हैं हम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। अगर हमारे पास लाइक और सब्सक्राइब अच्छे लाइक्स आते हैं वीडियोस के ऊपर, तो मैं अनवार भाई को कन्विंस करूँगा कि यार एक दफ़ा फिर हम क्रेट ओपनिंग करते हैं और लेट्स यू नो कंप्लीट द टास्क जो हमें चाहिए वो हम जो है वो कंप्लीट करते हैं। बट इट डिपेंड्स ऑन द लाइक्स एंड इफ वी गेट सब्सक्राइबर्स ऑन द चैनल, बिकॉज वी आर स्ट्रगलिंग, वी आर जस्ट स्टार्टिंग, और इसके बाद नेक्स्ट मंथ से हमारा लाइव स्ट्रीमिंग का भी प्लान है, तो वो भी हम स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच अनवार भाई, आपने भी इतना टाइम निकाला, हमें कंपनी दी, ये अलग बात है कि हमें कोई फाका नहीं हुआ उस चीज़ का, बट स्टिल थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफिज़। कंपनी देने आया था आज ब्रांड भाई, मैं कौन सा आपको दवाई देने आया था जो फाका होता बट ड्रेस में फाका नहीं हुआ ना भाई। ओके अच्छा, ओके अल्लाह हाफिज़।